आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन पूज रहे हम, आत्मवंदन पूज आत्मवंदन। रहे हैं सर। आई एम वेरी वेरी लक्की कि मैं इस सेशन में आ पाई और आपसे शेयरिंग कर पाई। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु महाराज का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने भी मुझे चुना कि मैं इस जर्नी में आऊं। सर मैं बहुत इसके लिए बड़ी देर से कहती थी मैं जाऊं, पर मैं जा नहीं पाई। और दूसरा मेरा थैंक्स ज्यादा है मृदुल को, मृदुल सैनी। आई एम ऑल्सो फ्रॉम पंचकुला सर, फ्रॉम जीरकपुर नियर टू पंचकुला। मृदुल इज लिविंग नियर माई हाउस अर्लियर, शी इज माई फ्रेंड एंड शी इंस्पायर्ड मी टू गो इन टू दिस जर्नी। और इस जर्नी में आने से पहले ही मैंने अपना तुलादान करवा दिया था सर। जैसे कि आपको पता है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे जल्दी जल्दी किसी बात पे विश्वास नहीं आता था। मैं बिल्कुल भी कुछ बिलीव ही नहीं करती थी कि जब तक मेरे पे रिजल्ट नहीं आया तो मैं कोई चीज बिलीव नहीं करती। और जैसे आपका नाम ही सेशन का गोली को गोली मारो है, और गोलियों में भी कोई फेथ नहीं था। और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास तो आपको पता है सब क्रॉनिक पेशेंट आते हैं जब थक जाते हैं। और मेरे को भी प्रैक्टिस में से 23 ईयर्स हो गए हैं। कोई एलोपैथिक दवाई ले रहा है, कोई आयुर्वेदिक ले रहा है, बाद में होम्योपैथिक में शिफ्ट होते हैं जैसा कि आगे ट्रेंड था सर। तो सर मेरे को यही था कि जो मेरी प्रॉब्लम है, चाहे छोटी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, पर है तो रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। तो मेरे को था कि जब तक मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं ना होती, मैं हमेशा हस्बैंड को कहती रहती थी, कहते गाने से क्या होता है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। कोई मुझे कहता था तो ये चूर्ण ले ले, कोई कहता था ये नित्यम की गोली खा ले। सर वो तो सिर्फ टेम्परेरी चीजें ही थी कि मैं कैसे करूं सर। फिर मेरे को मृदुल ने इस नेचुरोपैथी कोर्स के बारे में बताया। मैंने एक दो बार तो जाने की कोशिश करी कि मैं कुरुक्षेत्र चली जाऊं या संजीवनी चली जाऊं सर। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, और टाइम ही नहीं होता था, शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि घर से निकल ही नहीं पाती एक लेडी जो है। तो मेन बात तो जीजीएम की सर यही है कि ऑनलाइन सेशन और घर पे रह के हम अपना काम भी कर रहे हैं और अपना सेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं सर। आई एम वेरी वेरी मच रियली ग्रेटफुल टू यू सर। मेरे को बहुत फर्क पड़ा मेरी कॉन्स्टिपेशन में, उसके कारण मैं थकी थकी रहती थी। विद इन 7 डेज आई लॉस्ट 2 kg वेट सर, विद इन 7 डेज। जबकि मेरा वेट का कोई इश्यू नहीं था, मेरा वेट 63.5 इतना ही था, कोई ज्यादा इश्यू नहीं। मेरे को मेन तो कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से हैवीनेस, ब्लॉटिंग और मे बी पेन्स इन द बॉडी एंड लेग्स, वो चीजें थी सर। 5 डेज में ही खत्म, 14 डेज तो बहुत दूर की बात है। विद इन 5 डेज जितना भी मैंने किया, किया भी मैंने छोड़ा, बट किया सब कुछ किया। पत्तियों का जूस बिल्कुल नहीं छोड़ना, दूध चाय को टच नहीं किया मैंने बिल्कुल भी इतने दिन से, और खाना रात को एक टाइम ही ले रही हूँ सर। सर आई एम फॉलोइंग, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल सर कि मैं सेशन से जुड़ी। आज ही मैंने 2 और पेशेंट्स को अपने तैयार किया है कि वो जनवरी में आएंगे आपके साथ, दोबारा जुड़ेंगे हम आपके साथ सर। सर वो कहते कि हमें मैम जरूर बताना इस सेशन के बारे में, तो मैंने कहा कि अब व्हाट्सएप पे लिंक बनाएं और दोबारा जनवरी में ये सेशन होंगे, क्योंकि पेशेंट्स ऐसे आते रहते हैं बहुत ज्यादा, जिनको जरूरत है इस चीज की सर। तो मैं आगे आगे डेफिनेटली आई एम इन सर्विस, ऑलवेज एट योर सर्विस सर। सर और